मावला क्लासेस लेक्चर्स के साथ साथ एग्जाम से रिलेटेड इश्यूज और नोटिफिकेशंस, एग्जाम्स के बारे में इंफॉर्मेशंस, कौन से एग्जाम्स इंपॉर्टेंट हैं, या कोई स्टूडेंट या कोई बच्चा जब आप स्पेशली बोलता है, रिक्वेस्ट करता है कि आप इस एग्ज़ाम के बारे में पर्टिकुलरली स्पेशली आप बताइए, तो हम लोग उस तरीके के वीडियोस भी एग्ज़ाम ओरिएंटेड बनाते हैं। तो आज की सीरीज़ में एक एग्ज़ाम को हम लोग फोकस करके, इस एग्ज़ाम का नाम है जामिया इस्लामिया, जो दिल्ली में एक सिचुएटेड है, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, बहुत ही अच्छी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। उस यूनिवर्सिटीज़ के कैंपस, उसकी काउंसलिंग प्रोसीजर, क्या रिजर्वेशंस हैं, कैसे हॉस्टल प्रक्रिया है, इन सारी बातों पर बात ना करके एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, नोटिफिकेशन किस टाइम पर आता है, फॉर्म की फ़ीस क्या रहती है, पेपर्स के बारे में आज डिस्कस करेंगे। जो लोग जामिया इस्लामिया के पेपर, एमसी एंट्रेंस के पेपर के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, आज के वीडियो, आज के सेशन को पूरा लगभग लास्ट तक देखें, उनको सारी इन्फॉर्मेशन मैं कोशिश करूँगा कि आप तक पहुँचाऊँ। एक बात और हम आप बताते चलें कि नोटिफिकेशंस पेपर के बारे में उनका एनालिसिस, ये मेरा पार्ट नहीं है, मेरा पार्ट मैथ्स और 2+2=4 वाला पार्ट है, बट जब बच्चा बहुत हमली रिक्वेस्ट करता है तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, तो कहीं पर भी त्रुटि हो जाए, कहीं पर भी आपको लगे कि इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी मिस हो रही है, तो आप ज़रूर हमें इन्फॉर्म करें या हमें कमेंट के थ्रू उसको करेक्ट जरूर करें। अगर आप करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, शहर से मावला क्लासेस इसको एक्सेप्ट करेगी। चलिए एक बार ब्रीफ डिस्कशन आपके सामने बोर्ड पर जो है उसको हम डिस्प्ले करते हैं। आप देखिए कि जामिया एमसी एंट्रेंस एग्ज़ाम की डिटेल्स को हमने हाईलाइट किया है, आप इसको नोट कर लें, जो एग्ज़ाम पर फोकस कर रहे हैं, स्पेशली जामिया को फोकस कर रहे हैं, वो ज़रूर नोट कर लें कि क्वेश्चन पेपर में 100 क्वेश्चन आते हैं। पहली बात, टाइमिंग 2 आवर्स की रहेगी, इस बात को इम्पोर्टेंस दें। मार्किंग स्कीम में 1 for correct, यानी कि एक सही पर 1 marks मिलेगा, और 0.5 यानी हाफ मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा, कट जाएगा गलत होने पर। फीस जो है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हो सकता है फाइनेंशियली क्राइसिस, जो बच्चे फाइनेंशियली सफ़र करते हैं, तो फीस बहुत ज़्यादा नहीं है लगभग, और जो भी हम बता रहे हैं कि इन्फॉर्मेशन वो पिछली लास्ट नोटिफिकेशंस के आधारित है, तो लगभग चीज़ें डेटा है, नोटिफिकेशन जब आएगा जामिया के, अभी तक नहीं आया है इस बार का, तो पीछे की डिटेल्स के अकॉर्डिंग हम लोग ये सारी बातें रख रहे हैं आपके सामने, इस बात को ध्यान रखें। एग्ज़ाम शेड्यूल, जो लास्ट एग्ज़ाम था वो फर्स्ट वीक ऑफ जून में था, तो मान चल रहे हैं कि जून के आसपास या मई के लास्ट में ही एग्ज़ाम जाता है, 27 मई से लेकर फर्स्ट वीक ऑफ जून तक एग्ज़ाम ज़्यादातर देखा गया होता है। एग्ज़ाम रिजल्ट्स फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई के आसपास आता है, और नोटिफिकेशंस के बारे में हम आपको दे रहे हैं इन्फॉर्मेशन कि जो टेंडर पास होता है, यानी जो इन्फॉर्मेशन निकलती है कि एग्ज़ाम के सारे कब होगा, कब रिजल्ट आएगा, तो जो नोटिफिकेशन रजिस्ट्रेशन फॉर्म आता है वो मार्च में आ जाता है, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन फॉर्म से रिलेटेड, क्वेश्चंस कितने आते हैं, टाइमिंग रिलेटेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट थी, आप इसको अपने तक नोट कर लें। आते क्वेश्चंस पेपर पे आते हैं, तो मैथ्स मैथमेटिक्स 25 क्वेश्चंस आते हैं, इंग्लिश के 25 क्वेश्चंस आते हैं, रीजनिंग के 25 आते हैं, और कंप्यूटर के 25 आते हैं। 100 क्वेश्चंस को उन्होंने 4 पार्ट में डिवाइड करके रखा है, चारों सेक्शन को बैलेंस बराबर बराबर वेटेज दिया गया है, कोई भी ऐसा सेक्शन नहीं है जिसको वेटेज ज़्यादा दिया गया है। आप यहाँ पर पेपर का डिवाइडेशन ज़रूर नोट कर लें। अभी तक हमने जो वहाँ पर उनके नोटिफिकेशन में इन्फॉर्मेशन होती है उसके बारे में बात करें, अब जो आगे इन्फॉर्मेशन बताने वाले हैं वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंसेस, स्टूडेंट्स की जो बातें उन्होंने जो हर एग्ज़ाम के बाद हमसे शेयर की हैं, या जो हमारा एनालिसिस है उस पर आधारित इन्फॉर्मेशन होगी। वो इन्फॉर्मेशन ये हमारा खुद का, मैंने बोला पर्सनल एक्सपीरियंसेस है, उस पर बेसिस आगे बात हम करने वाले हैं, ठीक है। बोर्ड पे हमने एक इन्फॉर्मेशन दी है, वो इन्फॉर्मेशन का रीज़न क्या है बताते चले आपको। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 55% है, 10+2+3 लेवल, दैट मींस ग्रेजुएशन में आपने बीएससी किया हो या बीसीए किया हो, उसमें आपका 55% से अबव होना चाहिए। तो ये इन्फॉर्मेशन इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि जो बच्चे मायूस हैं, निमसेट को लेकर मायूस हैं, उनके लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी जामिया एक बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है, वो लोग पूरी जी जान लगा दें,
एक अच्छी यूनिवर्सिटीज़ है, BHU, JNU, हैदराबाद और बाकी सारी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें से जामिया एक बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है। उसके रीज़न है, एक तो सबसे पहली बार वो दिल्ली में है, जो सारी कंपनी होगी NCR रीजन की आप इजली वो विजिट करती हैं, तो प्लेसमेंट का भी एक पर्सपेक्टिव अच्छा है और वहाँ के टीचर्स और फैकल्टी स्टाफ मेंबर्स बहुत सपोर्टिव हैं, पढ़ाई का लेवल बहुत अच्छा रहता है। इसलिए जामिया मेरे मामले में, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस से, अगर आप BHU, JNU और जामिया, तो एक बार ज़रूर हम विचार करने के लिए बोलेंगे कि अगर ये तीन ऑप्शंस है तो जामिया के बारे में हम एक अच्छा ऑप्शन मानते हैं। प्रोफेशनल कोर्स की तैयारी करने वाले बच्चों के दिमाग में अक्सर ये बना रहता है कि प्रोफेशनली कोर्स जहाँ पर भी परस्यू करेंगे उनकी फ़ीस बहुत ज़्यादा होगी। ये गलत तरीके का मानसिक एक मेंटल लाइक कह सकते हैं कि लोगों के बीच में डाला गया है। आप जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर बहुत ही नॉमिनल फ़ीस है। आप जब पता करेंगे तो पाएंगे कि 5,000-6,000 पर सेमेस्टर फ़ीस लगभग इसी तरीके से रहती है। तो बहुत सारे बच्चे जो रूरल एरियाज़ के हैं, अनअवेयर्ड हैं, वो इस तरीके के ऑप्शंस को जान नहीं पाते हैं। तो जामिया, BHU, JNU, हैदराबाद, इनकी बहुत ही नॉमिनल फ़ीस है। तो जो बच्चे हमारे सुन रहे हो इस बात को, तो ध्यान रखें कि MCA एज ए प्रोफेशनल डिग्री है, बट अगर आप क्राइसिस में हैं, आपका फाइनेंशियली बैकग्राउंड बहुत अच्छा नहीं है, तो आपके पास भी एक ऐसे कॉलेजेस हैं जहां पर आप बहुत ही आराम से इन सारे कोर्स को परस्यू कर सकते हैं। आप इनके बारे में अवेयर होइए और जामिया आप बहुत ही आराम से सर्वाइव कर सकते हैं, बहुत कम फीस है। ठीक, जब भी पेपर की बात आती है तो एक क्वेश्चन लेवल की बात आती है। बच्चे ज़्यादातर अक्सर पूछा करते हैं कि पेपर का लेवल क्या है, JNU के पेपर का या किसी यूनिवर्सिटी के पेपर का लेवल कैसा रहता है, क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा रहे हैं, टफ लेवल के हैं, ईजी लेवल के हैं। तो जब भी ये बात मुझसे अक्सर पूछा जाती है और इसका रिप्लाई का जो वेट करते हैं, तो मैं अक्सर कर इस क्वेश्चन का रिप्लाई नहीं करता हूँ। एक रीज़न है, अगर आप मेरी बात को सुन रहे हैं तो मैं यहाँ पर डिफाइन करूँगा कि पेपर का लेवल कैसे जज होता है और इसका रिप्लाई मैं क्यों नहीं करता हूँ। तो आइए जानते हैं कि पेपर का लेवल या क्वेश्चन का लेवल कैसे डिसाइड होता है एग्ज़ाम के रिस्पेक्ट में। बात करते हैं एग्ज़ाम की, तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हुए और जब आप पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ पर क्वेश्चन आप करते हैं, उन दोनों में लेवल वाइज लेवलिंग में अंतर है। कुछ फैक्ट्स हैं जो हमने यहाँ पर डिफाइन की कोशिश की है, अगर ये जस्टिफाई करते हैं तो ज़रूर आप इसको अप्रिसिएट करिए, इसके अंदर लिखिए, अगर ये जस्टिफाई नहीं करते हैं तो फीडबैक ज़रूर दीजिए, मैं इसका वेट करूँगा, फिर आगे जाके अपडेट ज़रूर करूँगा, ये मेरा वादा है, प्रॉमिस है आपसे। लेवल ऑफ पेपर इज डिसाइडेड बाई सम फैक्ट्स, जो मेरा खुद का एनालिसिस है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। टाइमिंग, पेपर की टाइमिंग, हर पेपर की टाइमिंग वेरी करती है, तो जामिया को हमारे आधार मार रहे हैं, 2 आवर्स की टाइमिंग ली, दैट मीन्स 120 मिनट्स, आपको टोटल टाइमिंग 120 मिनट्स दिए गए, टोटल क्वेश्चंस आपके 100 आए हैं, यहाँ पे 100 क्वेश्चंस ले रहे हैं, अभी सब जो लिखा है मैं पढ़ देता हूँ। पॉजिटिव मार्किंग और निगेटिव मार्किंग, तो यहाँ पे 1:1.5 है और कट ऑफ जो लास्ट ईयर का होगा बताएंगे अभी, और यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी, एग्ज़ाम में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने बैठ रहे हैं अदर एग्ज़ाम के रिस्पेक्ट में, तो ये सारी बातें पर हम लोग डिस्कशन करते हैं, चर्चा करते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे जामिया की बात करें तो 120 क्वेश्चंस हैं, 120 मिनट आ रहे हैं, जो 100 बोला था वो 120 कर लें आप, तो 120 मिनट में 100 क्वेश्चंस करने हैं। वहाँ पे बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, थोड़ा सा बबल फिलिंग भी करेंगे आप, तो आपको 100 क्वेश्चंस 100 मिनट ही मिलेगा, एक बैलेंस टाइमिंग अगर आप देखें, बबल फिलिंग भी आपको करनी होगी, तो पर मिनट पे पर क्वेश्चंस करना होगा। तो देखा जाए एक मिनट में क्वेश्चंस करना, ये प्रेशर आपको कम नहीं है, तो ऐसे देखा जाए तो पेपर का लेवल इजी नहीं हुआ, आपको वहाँ पर लगातार क्वेश्चंस करने होंगे। आप कट ऑफ कितना जाता है उसके हिसाब से भी देखना है, तो जामिया का कट ऑफ देखा गया, ध्यान दें जामिया का कट ऑफ देखा कि जो लोग क्वेश्चंस 85 प्लस करते हैं, जो 2-3 साल से मैं देख रहा हूँ अपने इंस्टीट्यूट में देख रहा हूँ, जो 80-85 प्लस चले जाते हैं, कुछ कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो 95, 91, 90 से ऊपर करके आते हैं, कुछ क्वेश्चन उनके गलत होते हैं, वही फर्स्ट लिस्ट में आते हैं, तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा चला गया, मैंने 100% वो करके चले आते हैं, तब जाके उनका होता है। दूसरी और बात कि ये निमसेट के ज़्यादातर अक्सर बाद में होता है, तो बहुत सारे लोग एश्योर हो चुके होते हैं कि मेरा, जो अच्छे बच्चे होते हैं वो एश्योर हो चुके होते हैं कि मेरा निमसेट अच्छा चला गया है या JNU का एग्ज़ाम हो चुका होता है, तो वो एकदम बेफिक्री से एग्ज़ाम देते हैं, तो उन रिस्क लेने का उनके पास चांसेस आपसे ज़्यादा होता है,
तो वो क्या करते हैं कि 100% क्वेश्चंस को बहुत ही कम दबाव में करते हैं, तो वो पेपर का जो कट ऑफ है वो बढ़ा देते हैं। तो फर्स्ट लिस्ट में चांस, मैं जो भी आपको एनालिसिस बता रहा हूँ फर्स्ट लिस्ट की बता रहा हूँ, यहाँ पर 2 या 3 लिस्ट निकलती हैं, वो नोटिफिकेशन के बारे में बताएंगे तब बताएंगे। तो फर्स्ट लिस्ट को आधार मान के हम जब बता रहे हैं, तो कट ऑफ यहाँ पर जब तक आप 90 क्वेश्चंस जामिया में नहीं करेंगे तब तक आप कंफर्म श्योर ये नहीं कह सकते कि मेरा जामिया में होगा। तो 100 मिनट में 90 क्वेश्चंस करना ये एक, और में 3 बातें ध्यान रखनी होंगी। निगेटिव मार्किंग बहुत ज़्यादा है, ज़्यादातर एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग 1/4 होती है या 1/2 है, मानी एक क्वेश्चन गलत हुआ तो 0.5 आपका कट जाएगा, तो यहाँ पर ज़्यादा हो गई बाकी एग्जाम के रिस्पेक्ट में। बाकी एग्जाम में क्या होता है कि 1/4 होती है, 1/4 हिस्सा कटता है, तो ये भी एक गड़बड़ सी बात है कि निगेटिव होने से आपको ज़्यादा ज़्यादा घाटा हो जाएगा। अब 100 क्वेश्चंस में 90 क्वेश्चंस निकालना लगातार आप करते जा रहे हैं, यहाँ पे आपको 2-3 बातों का ध्यान रखना है, स्पीड आपकी होनी चाहिए, एक्यूरेसी भी होनी चाहिए, और लगातार लगातार आपका कैलकुलेटिव आप एक बार में सारी चीजें करते चले जाएं। अब पेपर में बताया गया था कि 4 सेक्शन में पेपर को डिवाइड किया गया है, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, कंप्यूटर, तो सारी चीजों को आपको बैलेंस करना है। तो इन सारी चीजों को बैलेंस करते हुए जामिया का पेपर देखा जाए तो इजी नहीं है किसी मामले में। तो जामिया में 48 के लगभग सीट्स हैं, अप्रॉक्स सीट्स हैं, कुछ सीटें अगर खाली रहेगी तो रह जाती हैं, वो 2 या 3 लिस्ट निकालते हैं, वो डिपेंड करता है एडमिट पर, वो उस नोटिफिकेशन पर डिपेंड करता है, तो वो बात बात की है। और कट ऑफ मेरे नज़र से अगर आप 100% एश्योर होना चाहते हैं तो 85+ का टारगेट रखें आप विद एक्यूरेसी के साथ, तभी आप 100% एश्योर हैं कि जामिया में आपका होगा, बाकी डिपेंड करता है एग्जाम पर और बाकी वहाँ की सिचुएशंस पर। अब लास्ट में बात करते हैं कि मैक्सिमम किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, लास्ट बिल्कुल लास्ट में है, उसके बाद फिर आगे नया कुछ टॉपिक लेके आएंगे। मैथमेटिक्स में 25 क्वेश्चंस आते हैं, तो पूरे सिलेबस को, मैथ्स के पूरे सिलेबस को 25 क्वेश्चंस में बाउंड कर देना एक बड़ा चैलेंज है, सारे सिलेबस को कंप्लीट कर देना बड़ा चैलेंज है, तो वहाँ पर टाइमिंग का भी एक गेम है। तो 1 मिनट में 1 क्वेश्चंस के लिए एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चंस को देता है जो कॉन्सेप्चुअल होते हैं, जिनमें ट्रिक होती है, तो जब भी आप मैथ्स की तैयारी करें तो उन सारे क्वेश्चंस को जरूर ध्यान दें जो लेंदी नहीं है बट कॉन्सेप्चुअल हैं। कुछ टॉपिक्स हमने यहाँ डिफाइन किए हैं जो बहुत ही ज़्यादा फ्रिक्वेंसी में मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है, जैसे कि लिमिट्स, इंटीग्रेशंस, वेक्टर, प्रोबेबिलिटी, प्रोटीन कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल, ट्रिग्नोमेट्री, मैट्रिक्स, सेट, एलिप्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस बनने वाले जो इसी एरिया के हैं, सबसे पहले आप इसी को कंप्लीट करेंगे, देन आफ्टर फिर आप आगे बढ़ेंगे। और पेपर का पैटर्न आपको देखना है तो मावला क्लासेस की साइट्स पर या ऐसी रिलायबल साइट्स पर आप देख सकते हैं, पेपर बहुत ही कम अवेलेबल है, 1 या 2 अवेलेबल है, आप उनसे थोड़ा ब्रीफ थोड़ा सा हिंट ले सकते हैं। बाकी जानते हैं कंप्यूटर, इंग्लिश और रीजनिंग सेक्शन पे। बाकी जो 3 सेक्शन हमारे बचे हुए हैं, कंप्यूटर, रीजनिंग और इंग्लिश, इनके बारे में बात करते हैं। एक सबसे पहली बात कि जब भी रीजनिंग की बात करते हैं तो मैथ्स और रीजनिंग एक अलग पार्ट है, मैथ्स रीजनिंग को अगर आप निमसेट से रिलेट करते हो तो ये आपकी हो सकता है कि भूल हो, निमसेट में रीजनिंग का एक लेवल अलग रहता है, निमसेट में जो भी रीजनिंग आती है उसको पजल फॉर्म मिलाते हैं, यानी कि कैट लेवल की रीजनिंग रहती है, या जो बैंक और पीओ में एक स्टैंडर्ड रीजनिंग पूछते हैं उस तरीके से वो फॉर्मेट में लाते हैं, टॉपिक्स रहेंगे बट वो सारी चीज़ों को पजल फॉर्म में ले आते हैं, सीलॉग है इस टाइप की रीजनिंग, अजम्पशंस, कंक्लूजन, इस टाइप के क्वेश्चंस वो इंक्लूड करते हैं। बट जो जामिया में रीजनिंग आएगी वहाँ पे कोडिंग, डिकोडिंग, सीरीज, सीरीज में नंबर सीरीज, इस टाइप क्वेश्चंस, ब्लड रिलेशंस, डायरेक्शन डिस्टेंस, क्लॉक कैलेंडर, और जो कुछ फिगर मेकिंग होते हैं कि आपको फिगर देंगे वो, और वहाँ पर कुछ पैटर्न देंगे और एक कुछ जगह वो क्या क्वेश्चन मार्क दे देंगे, तो आपको वो पैटर्न ऑब्जर्व करके क्वेश्चंस जहाँ मार्क है वहाँ पर बताएंगे कि क्या फिल किया जाए, नंबर, अल्फ़ाबेट क्या फिल किया जाए। तो एक रीजनिंग का लेवल वहाँ से अलग है, तो पेपर को जरूर देख लें, जिस तरीके से पेपर में क्वेश्चंस आते हैं उसी तरीके के पेपर अगर आप जामिया को फोकस कर रहे हैं तो उस तरीके की रीजनिंग आपको देखनी है। कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाते हैं, बेसिक फंडामेंटल पर ही वो रहते हैं, और अगर आपने कंप्यूटर के बेसिक फंडामेंटल को सही से रखा है तो सबसे ज़्यादा चांसेस कंप्यूटर को करने के रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर सारे क्वेश्चंस बराबर लेवल पे हैं, मैथ्स, इंग्लिश और कंप्यूटर, तो इस कंप्यूटर को आपको बिल्कुल डिनाई नहीं करना है, बेसिक फंडामेंटल आप स्ट्रांग करिए।
कन्वर्जेंस के अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं और कुछ नेटवर्किंग और डीबीएस के भी क्वेश्चंस देते हैं, मगर सारे वो ओवरव्यू रहता है, कॉन्सेप्ट शुरुआत लेवल का रहता है, कहीं डेप्थ में वो ज़्यादा नहीं पूछते हैं। 25 क्वेश्चंस है, इंपॉर्टेंट है, ये एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसको आपको बैलेंस बना के रखना, चाहे बीएससी की हो चाहे बीसीए की हो, आपको ध्यान देना है। बात करते हैं इंग्लिश पे, तो इंग्लिश भी यहाँ पे इंपॉर्टेंस रखती है, क्योंकि यहाँ पर इंग्लिश का भी वेटेज बराबर है, 1/4 में इंग्लिश कवर करती है। तो एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और एरर डिटेक्शंस, इन पर आपको ध्यान देना है। जो इंपॉर्टेंट एरर डिटेक्शंस हैं, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स हैं और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हैं, इनको आपको ध्यान रखना है, इनको आप पढ़ना है। मैंने बोला कि अगर आप 25% पेपर को नहीं कर पाते हैं तो आप अपने आप को बाहर मान लीजिए। तो हर सेक्शन इंपॉर्टेंट है, किसी भी सेक्शन को आप डिनाई नहीं कर सकते हैं। पेपर का कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाता है जामिया का, 3-4 साल से देखा गया है, क्योंकि बहुत सारे लोग, पहले ये भ्रांति थी कि जामिया मुस्लिम और नॉन मुस्लिम में कैटेगराइज था, लोग नॉन मुस्लिम्स भरते नहीं थे, बट अब क्या है कि एक अवेयरनेस फैली हुई है, नॉन मुस्लिम्स दैट इज अदर रिलीजियंस के जो बच्चे हैं वो भी फ्रेंकली भर रहे हैं और आराम से एडमिशन ले रहे हैं, तो इसलिए कॉम्पिटिशन 2-3 साल से बढ़ा है, इसीलिए आपको कट ऑफ भी बढ़ गया है। तो सारे एमसीए के सारे तैयारी करने वाले लोग लास्ट 3-4 साल से सारे जामिया को एक ऑप्शन मानते हैं, सारे लोग तैयारी करते हैं, तो कंपटीशन बढ़ गया है, इसीलिए आप किसी भी सेक्शन में अगर कमजोर पड़ गए तो आप अपने आप को मान लीजिए कि बाहर हैं। तो आपको चारों सेक्शन पर बैलेंस बना के रखना है, जो भी तैयारी कर रहे हैं आप मैथ्स के भरोसे, कंप्यूटर के भरोसे, इंग्लिश के भरोसे आप वहाँ पर आगे नहीं बढ़ सकते हैं। चारों सेक्शन पर जब तक आप कमांड नहीं रखेंगे तब तक जामिया को निकालना, रैंक लाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगी। और हमारा मानना है कि 2 या 3 साल से हम लोगों ने सेकेंड रैंक तक जामिया में दिया है, तो पेपर का एनालिसिस करके ही बच्चों को भेजते हैं, तो आप पेपर का जरूर एनालिसिस कर लीजिए। और वीडियो कैसा लगा, किस तरीके की इन्फॉर्मेशन हम दे पाए, कौन सी बातों को हमने यहाँ पर डिस्कस नहीं कर पाया, ज़रूर आप बताएं कौन सी बातें आपको थोड़ा सा लगा कि और अच्छे ढंग से बताई जा सकती थी, जो भी फीडबैक था आप यहाँ बताइए। कोशिश हमारी थी, ये हमारा सेक्शन नहीं है, हमने बताया ही है, बच्चों की डिमांड पर इन सारी चीज़ों को हम आपके साथ शेयर करते हैं। अगर आपको लगता है कि इन्फॉर्मेशन हमें मोटिवेट करती है, इनकरेज करती है, तो आप ज़रूर लिखिए, जिससे कि हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा, हम आगे और प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे इस तरह की इन्फॉर्मेशन को शेयर करने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद, नया कुछ आगे करेंगे और इसी वादे के साथ अलविदा लेते हैं।